नोएडा स्वच्छता सर्वेक्षण और G20 की तैयारियों को लेकर नोएडा अथॉरिटी का कार्यक्रम CEO रितु माहेश्वरी ने रवाना की स्वच्छता गाड़ियां। सफाई की कर्मी को दुरुस्त करने के उद्देश्य से काम में तेजी लाई जा रही है। कुछ स्थान चिन्हित किए गए जहां स्वच्छता की कमी है। QRT टीम का गठन किया गया। QRT टीम में 15 गाड़ियां और 100 कर्मचारी हैं। स्वच्छता सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई गई। करीब 250 गाड़ियां बेड़े में शामिल की गई है। क्विक रिस्पांस टाइम भी बढ़ाया गया है। G20 को लेकर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।